माजी नगरसेवक संदीप जाधव यांच्याद्वारे आज नागपुरातील महानगरपालिकेला दोन निवेदने देण्यात आली. यामध्ये पहिले निवेदन गोधनी ग्रामपंचायत विरोधात दिले गेले. गोधनी ग्रामपंचायतचे खराब पाणी महानगरपालिका हद्दीत येत आहे, तर हे पाणी 6 महिन्यांपासून इथे जमा होत असून ग्रामपंचायतद्वारे याची कुठल्याही प्रकारची विल्हेवाट लावल्या जात नाही आहे आणि त्यामुळे लोकांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. तर यावर कारवाई करण्याकरिता संदीप जाधव यांच्या हस्ते निवेदन देण्यात आले आणि तिसरी रेल्वे लाईन टाकण्याकरिता रेल्वे येथे वास्तव्यात असलेल्या गोरगरिबांना जागा खाली करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. त्यामुळे यांना प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत घरकुल प्राप्त होण्यासाठी देखील यावेळी निवेदन देण्यात आले. दोन प्रकार के डेपुटेशन थे. पहला डेपुटेशन गोधनी ग्राम पंचायत के विरोध में था. गोधनी ग्राम पंचायत का पूरा सीवरेज का पानी नागपुर महानगर पालिका के हद्दी में ऐसा ही छोड़ दिया उन्होंने, और करीब करीब पिछले 6 महीने से वो पानी शहर में आ रहा है, उसको किसी प्रकार का आउटलेट नहीं है, और उसके वजह से पूरा गोधनी का सीवरेज का पानी शहर में आ रहा है और वहाँ के आजू बाजू लोगों को बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. तालाब जैसा वहाँ पर गंदा पानी जमा हुआ, मच्छर के लोग परेशान हैं, लोगों के आधे आधे 3-3, 4-4 फुट कंपाउंड में पानी भरा हुआ है. तो उसी के बारे में हमने उनको एक निवेदन दिए कि इसको ताबड़तोब इसके ऊपर एक्शन लिया जाए, और यदि वो नहीं मानते तो उनका पानी वहाँ से, नागपुर महानगर पालिका उनका पानी वहाँ से बंद कर दीजिए. इस प्रकार से हमने कमिश्नर साहब को बोला है. कमिश्नर साहब ने तुरंत एक्शन लेने का वादा दिया. दूसरा, हमारा जो रेलवे लाइन के पास में जो लोग बैठे थे पिछले 30-35 सालों से, वहाँ पर गरीब जनता वहाँ बैठी थी. अब रेलवे की तीसरी लाइन डालने के वजह से उनको खाली करने के लिए रेलवे ने नोटिस दिया है. उसी सिलसिले में हम माननीय गडकरी साहब से मुलाकात किए थे. गडकरी साहब ने कमिश्नर साहब के नाम पर एक लेटर दिया और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत इस गरीब परिवार को घर देने का गडकरी साहब ने कमिश्नर साहब से कहा है. कमिश्नर साहब ने भी वो पूरी जानकारी हासिल करने के बाद में उचित कार्रवाई करने का आश्वासन उन्होंने भी दिया है.